हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहन कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑफिसर चैप्टर का नोट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव का चैप्टर पार्ट वन मैंने दे दिया है। उसके बाद बोला था कि उसका सेकंड पार्ट अगला वीडियो में रहेगा, तो मैंने ऑफिसर का नोट्स रेडी कर लिया, इसलिए मैं इसका नोट्स दे दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए नोट्स देखते हैं। तो पहले हम कवि के बारे में नोट्स देख लेते हैं। ओके, नंबर वन है शरद जोशी का जन्म कवर कहाँ हुआ था। ओके, ख है शरद जोशी ने प्रारंभिक वर्षों में क्या कार्य किया। ग है शरद जोशी ने किस किस विभाग में नौकरी की। घ है लेखक के क्षेत्र में शरद जोशी ने साहित्य की किस विधा पर विरोध जोर किया। ओके, अंग है शरद जोशी की रचना की भाषा कैसी है। ओके, च है शरद जोशी द्वारा रचित दो व्यंग पुस्तकों के नाम बताइए। ओके, घ है शरद जोशी का निधन कब हुआ। तो यहाँ पे कवि के बारे में नोट्स ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कोई स्पेलिंग में डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये एक्सरसाइज के नोट्स हैं। ओके, नंबर वन है सही विकल्प का चयन कीजिए। क अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है। तो आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, आप देख लेना। ख है अफसर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है। ग अफसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नंबर टू है पूर्ण वाक्यों में उत्तर दीजिए। क अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है। ख अफसर के पद से रिटायर होने के बाद भी आदमी में क्या कायम रहता है। ग अफसर क्या होता है। घ अफसर किस प्रकार का मसीहा होता है। ओके, अंग चमन में बाहर बनकर कौन आता है। ओके, नंबर थ्री है संक्षेप में उत्तर दीजिए। क अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है। कहीं भी स्पेलिंग डाउट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ख है अफसर अपने आप को सफल अफसर कब मानता है। ओके, ग है लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने से मना क्यों करता है। ओके, घ है लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अफसर किस मिट्टी का बना है। अंग अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं। ओके, च है अफसर किस रूप में आता है और किस रूप में जाता है। छ है लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। ओके, ज एक अफसर की क्या सीमाएं हैं जिनका वह उल्लंघन नहीं कर सकता है। ओके, इसके बाद का नोट इसके बाद में जो वीडियो दूंगा वो इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव का पार्ट टू होगा। उसके बाद मैं इसका पार्ट टू वीडियो दूंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।